हमारे ऊपर ये आक्रमण किया तो हमने हम नहीं बुझ समझ पाते जो हमारे साथ ये सब क्यों होता है। सब कहते हैं कि हम आपके साथ है, हम आपके साथ है, लेकिन आज तक किसी भी कोई भी क्राइम का विचार नहीं हुआ। अभी तक हम किसी भी क्राइम का मंदिर जलता है, गिरजा जलता है, हिंदू माइनॉरिटी देर जो दुकान पाट है, बाड़ी घर है, यहाँ तक कि लड़की को भी अगवा कर लेता है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। पूर्व पीएम शेख हसीना फिलहाल भारत में है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस देश के हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। वहाँ हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पिछले दिनों उनके साथ वहाँ जो जुल्म हुआ उसके बाद वो सड़कों पर है। इस बीच बांग्लादेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर बांग्लादेश में बड़ा विद्रोह हो सकता है। अवामी लीग के समर्थक बड़ा विद्रोह कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस काउंटर रेवोल्यूशन को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहां के आर्मी चीफ से भी काउंटर रेवोल्यूशन को लेकर सवाल पूछे गए हैं। काउंटर रेवोल्यूशन की बात उस वक्त सामने आ रही है जब बांग्लादेश की सेना बैरकों में वापस जाने पर विचार कर रही है ताकि आतंकवाद रोधी अभियानों पर फोकस किया जा सके। खुद सेना प्रमुख जनरल वखारुज़्ज़मा कह चुके हैं कि पुलिस द्वारा अभियान की कमान संभालने के बाद सभी सैनिक बैरक में लौट आएंगे। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा है कि शेख हसीना के कई सहयोगियों को सेना ने शरण दी है। आर्मी चीफ ने कहा है कि अवामी लीग के बड़े नेताओं की जान को खतरा है। अगर इन नेताओं ने गलत किया है तो इन्हें सजा मिलेगी, मगर हम भीड़ के हाथों में नहीं दे सकते। यानी बांग्लादेश में अभी भी डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारी अब तक अवामी लीग के कई नेताओं की हत्या कर चुके हैं। नई सरकार के गठन के बाद अवामी पार्टी के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। शेख हसीना, उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे दो नेताओं और एक बर्खास्त पुलिस मुखिया समेत छह अन्य के खिलाफ हत्या के आरोप में केस चलेगा। 5 अगस्त को शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और भारत आ गए। इसके बाद बांग्लादेश की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया था। सैकड़ों लोगों की हत्या की गई, इसमें अवामी पार्टी के भी लोग थे। इसके बाद वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जाने लगा। उनके मंदिरों, घरों, दुकानों को टारगेट किया गया। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने मंगलवार को ढाका में अल्पसंख्यक हिंदुओं से मुलाकात की। सुनिए बांग्लादेश के हिंदुओं का इस सब को लेकर क्या कहना है। हम सबको भरोसा दिया है कि अभी जो अंतर्वर्तीकालीन सरकार है ये हमारे साथ है। हम जब चाहे उनको बुलाए वो हमारे साथ रहेंगे। पॉजिटिवली उन्हीं हमारे के हम सबको ये विश्वास दिलाया है। और मैं आपको सबको ये सब अगवा करना चाहता हूँ कि सारी बांग्लादेश में जो हुआ है वो नेचुरली बिलीव करना जैसा नहीं है। हम लोग शुरू से 1971 के बाद वा उसके पहले से जब भी कोई सरकार गिरती है वा चेंज होता है सबसे पहले हमारे ऊपर आक्रमण होता है। हम ही सब रोशन का हिस्सा है। सकल राजनीतिक जो दल है सब हमारे ऊपर रोष है। हम तो यह संख्या लोग है, आप लोग जानते हैं हम माइनॉरिटीज है। हमारे ऊपर ये आक्रमण किया तो हम नहीं बुझ समझ पाते जो हमारे साथ ये सब क्यों होता है। सब कहते हैं कि हम आपके साथ है, हम आपके साथ है, लेकिन आज तक किसी भी कोई भी क्राइम का विचार नहीं हुआ। अभी तक हम किसी भी क्राइम का मंदिर जलता है, गिरजा जलता है, हिंदू माइनॉरिटी देर जो दुकान पाट है, बाड़ी घर है, यहाँ तक कि लड़की को भी अगवा कर लेता है, लेकिन इन सब का कोई सुरहा नहीं होता। हम आज तक कोई विचार नहीं पाया। हम आपके माध्यम से सारे वर्ल्ड को विनती करके बोलते हैं कि हम लोग माइनॉरिटी है,
हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हम किसी की दल किसी भी सरकार के समर्थन में नहीं है। हम सब माइनॉरिटी है, हम सब बांग्लादेशी है, ये देश हमारा है। हम क्यों आप सबके हम सब को इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। बांग्लादेश में करीब 1,35,00,000 हिंदू रहते हैं। इन दिनों ये हिंदू ढाका से लेकर चटगांव तक सड़कों पर उतरे हैं। मोहम्मद यूनुस ने माना है कि पिछले दिनों हिंदुओं के साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बांग्लादेश के हिंदुओं का वहाँ का हुक्मरानों से भरोसा उठ सा चुका है। आपको लगता है कि अभी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है और डॉक्टर यूनुस के चार्ज लेने के बाद स्थितियाँ ठीक होंगी धीरे धीरे? अभी तो ये बात विश्वास करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। इससे ज्यादा हम कर सकते हैं? इससे ज्यादा हम केयर भी कह सकते हैं? अभी जो सरकार है हमें तो उसके ऊपर विश्वास रखना ही पड़ेगा। आप लोगों ने डॉक्टर यूनुस को ये बात बताई कि पूरे बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है उसको कंट्रोल करें आप या फिर उसको उसको संरक्षण दें? हमने तो आपको पहले ही बताया है जो उसने हमारे साथ हमारी पूरी बात सुनी एवं उसने हमें विश्वास दिलाया कि फिर ऐसा कोई ना हो इसका वो ख्याल रखेंगे एवं हम विश्वास करते हैं कि ये हो सकता है। अगर कितने देर रहे वो यहाँ पे, क्या मंदिर में भी गए वो? हाँ, ये उन्हें गए मंदिर में गए हाँ। और उसके बाद आप लोगों से बात भी की? बात भी की, हमारे 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 जो लीडरशिप है उसके साथ बात की। हमारे साथ नहीं, हमारे जो पूजा परिषद का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, मोहनगर का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, उसके साथ उसने बात की एवं हम विश्वास रखते हैं कि उसने हमें जो विश्वास दिलाए हैं वो जरूर पूरा करेंगे, ये हमारा अंतर का विश्वास है। फिलहाल बांग्लादेश में सेना ने इस वक्त मोर्चा संभाल रखा है ताकि हालात सामान्य हो सके और हिंसक घटनाओं पर लगाम लग सके। नोबेल पुरस्कार विजेता रहे और मशहूर अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस फिलहाल अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, जिनके सामने इस वक्त कई चुनौतियां हैं। हमारे ऊपर ये आक्रमण का तो हम नहीं समझ पाते जो हमारे साथ ये सब क्यों होता है। सब कहते हैं कि हम आपके साथ है, हम आपके साथ है, लेकिन आज तक किसी भी कोई भी क्राइम का विचार नहीं हुआ।